नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर से। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऑनर व्यू 10 की पूरी प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशन और पूरा रिव्यू मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ। तो इसके लिए बने रहिएगा बिल्कुल वीडियो के एंड तक। और इसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो अभी का भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जब आपको फ्यूचर में भी ऐसी और भी मजेदार और टेक्नोलॉजी से भरे वीडियोस मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था ऑनर व्यू 10 के बारे में, और ये फोन बहुत ही हाल ही में लॉन्च हुआ है। और मैं आज आप लोगों को मेरी तरफ से मेरा जो रिव्यू है वो मैं देने वाला हूँ, इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग भी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं इस फोन के लुक्स के साथ। और अभी आप स्क्रीन पे इसके लुक्स देख पा रहे होंगे, देखने में तो काफी अच्छा है। इसमें आपको काफी हद तक एक विजनलेस डिस्प्ले मिलता है, ब्लू बैक पैनल मिलता है, देखने में तो बहुत ही अच्छा है। और इसका जो प्राइसिंग है वो इसके लुक्स के जैसा ही है, बहुत ही अच्छा प्राइसिंग भी है इसका। ये मिड रेंज का फोन मैं नहीं कहूंगा, ये हाई रेंज का ही मैं कहूंगा। ये आपको 29,999 रुपीज में मिलेगा। तो ये प्राइसिंग काफी हाई है, 30,000 रुपीज की इसकी प्राइसिंग है। अब इसके हिसाब से इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है वो भी जरा देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें आपको कैरन 970 का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर। तो ये प्रोसेसर तो ठीक ठाक है इस प्राइसिंग के हिसाब से, लेकिन इसमें थोड़ा हाई एंड का और भी ज्यादा प्रोसेसर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। और इसके बाद अगर मैं इसकी इंटरनल स्टोरेज और रैम की बात करूं तो रैम एकदम ठीक दिया गया है इसमें। इसमें आपको एक 6 GB का रैम मिलता है और साथ ही साथ इसमें आपको 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है, जिससे आप इसमें बहुत सारे अपने फोटो वीडियो स्टोर कर पाएंगे और सारे ऐप्स और जो गेम्स है वो आप इसमें स्टोर कर पाएंगे। और इसके साथ साथ इसमें जो SD कार्ड स्लॉट है उसमें आप मैक्सिमम 256 GB तक का एक SD कार्ड डाल पाएंगे, तो ये भी काफ़ी हाई एंड का हो जाता है। तो प्रोसेसर थोड़ा ठीक ठाक है, बाकी जो भी स्पेसिफिकेशन है वो अभी तक काफ़ी अच्छा निकल के आया है। और साथ ही साथ अगर मैं इसके डिस्प्ले साइज की बात करूँ तो इसमें आपको एक 5.99 इंच का IPS LCD फुल HD कैपेसिटिव टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है 18:9 के रेशियो के साथ। तो ये काफ़ी हाई क्वालिटी का हाई एंड का एक स्क्रीन है, और इसमें आपको काफ़ी एकदम एंड टू एंड डिस्प्ले मिलता है क्योंकि इसमें 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो डिस्प्ले मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, स्क्रीन साइज भी काफ़ी अच्छा है और डिस्प्ले फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं इसके कैमरे की बात करूँ जो इसका रियर और फ्रंट कैमरा है, तो कैमरे में आपको काफ़ी अच्छा एक पैकेज मिल जाता है। जो रियर में आपको जो कैमरा मिलता है उसमें आपको डुअल लेंस कैमरा मिलता है, एक 16 MP का, और इसी के साथ साथ आपको एक 2 MP का डुअल लेंस कैमरा मिल जाता है। तो ये काफ़ी बढ़िया बात हो जाता है, इससे हमें काफ़ी अच्छी तरह से फोटो हम ले पाएंगे। और इसी के साथ इसमें आपको जो फ्रंट कैमरा मिलता है उसमें आपको एक 8 MP का सेल्फी शूटर मिल जाता है, जिससे आप अपने बढ़िया सेल्फी ले पाएंगे। और रियर में आपको इसके फ्लैश मिल जाता है, फ्रंट में फ्लैश नहीं है लेकिन सब ठीक है, नॉर्मल है। और इसके अलावा अगर मैं इसके कुछ सेंसर्स की बात करूँ तो इसमें आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर, एम्बेड लाइट सेंसर, जी कॉम्पास, ई कॉम्पास, प्रॉक्सिमिटी और ग्रेविटी, ये सब आपको मिल जाता है। और इसके साथ इन सबको चलाने के लिए आपको इसमें एंड्रॉयड 8.0 ओडियो का एक सपोर्ट मिल जाता है, जिससे आप अपने इस फोन को बहुत ही आसानी से स्मूथली चला पाएंगे। ऑडियो का अपग्रेड इसमें आपको ऑलरेडी मिलता है, ये आपको अपग्रेडेबल नहीं होता है, ये आपको आउट ऑफ द बॉक्स ऑडियो आपको इसमें मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर मैं इसके बैटरी कैपेसिटी की बात करूँ, मतलब बैटरी की बात करूँ, तो इसमें आपको एक 3750 mAh का नॉन रिमूवेबल लिथियम आयन बैटरी मिल जाता है। ये लिथियम आयन सब फोन में ही होता है, इसमें भी वही नॉर्मल लिथियम आयन एक बैटरी मिल जाता है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। 3750 mAh का इसमें बैटरी है, अगर इसमें आपको एक 4000 mAh का बैटरी होता तो ये और भी ज़्यादा अच्छा होता, इसके प्राइसिंग के साथ बिल्कुल सही हो जाता। तो ओवरऑल ये फ़ोन अब तक तो काफ़ी अच्छा ही स्टैंड आउट कर रहा है। तो देख लेते हैं, इसके लिंक जैसे ही मेरे पास आते हैं मैं आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, आप डायरेक्ट जाकर वहां से उनको परचेस कर पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों को ये फ़ोन पसंद आया हो तो प्लीज़ उस लाइक बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए इस नीचे वाले बड़े से बटन को दबा के, और इसी के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। गुड बाय।